श्रद्धा और विश्वास यह दो ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए परमात्मा को पाया जा सकता है। मनुष्य जीवन तभी सफल हो जाता है जब व्यक्ति अपना पहला प्रयास परमात्मा को पाने की ओर करता है। जब व्यक्ति यह जानना चाहता है, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। हर कोई ईश्वर का साथ चाहता है, हर कोई चाहता है कि ईश्वर सदैव मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका साथ परमात्मा चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं, जिनके साथ परमात्मा की दिव्य शक्ति रहती है। क्या आप उनमें से एक तो नहीं? कई बार ऐसे लोग स्वयं नहीं जानते कि उनके साथ दिव्य शक्ति है। वो अपने आप को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन उनके आसपास हमेशा अलौकिक दिव्य शक्ति होती है जो उनकी सुरक्षा करती है, उनका मार्गदर्शन करती है, उन्हें समाज की बुराइयों से बचा कर रखती है। आज हम ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपको ये बताते हैं कि कोई अलौकिक दिव्य शक्ति हमेशा आपके आसपास है। तो चलिए जानते हैं वे अद्भुत संकेत जिससे आप यह जान पाएंगे कि कहीं आप उनमें से तो एक नहीं जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा है, जिसका साथ परमात्मा चाहते हैं। पहला संकेत होता है, ऐसे लोगों को स्वप्न में इतिहास के लोग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है, ऐसे महापुरुष उन्हें अपने स्वप्न में दिखाई देते हैं। कई बार उन्हें स्वप्न में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वो उन्हें उनका नाम पुकारते हुए दिखाई देता है या बादलों के बीच से दिखाई देता है। वो उनसे संदेश देना चाहता है, कई बार उन्हें भविष्य की घटनाओं के बारे में सचेत करता है। इस तरह के स्वप्न ऐसे लोगों को बार बार आते हैं जब फरिश्ते उनके स्वप्न में आके उन्हें संदेश देते हैं। दूसरा संकेत होता है, अचानक आंखों के सामने चमकती हुई रोशनी का एहसास होना। कई बार साधारण ऐसे बैठे हुए हैं और उनकी आंखों के सामने ऐसा लगता है कोई दिव्य प्रकाश आंखों के सामने से गुजरा, हल्का सा प्रकाश उन्हें महसूस हुआ और उसके बाद सब कुछ एकदम साधारण हो जाना। ये चीज भी कई बार ध्यान करने के समय दिखाई देती है और कई बार ऐसे भी दिखाई देती है जो ये बताती है एक दिव्य अलौकिक शक्ति का कवच आपके चारों तरफ है। तीसरा संकेत होता है, कोई धुन सुनाई देना, एक मधुर सी धुन। आप अकेले अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपके कानों में एक हल्की भीनी धुन सुनाई देने लग जाए, और आप अगर किसी और से पूछेंगे तो किसी को वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। थोड़े समय बाद वो धुन विलुप्त हो जाएगी। ये बताता है आपके आसपास कोई फरिश्ते हैं। चौथा संकेत होता है, अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है तो वो आपकी ओर देखकर, छत की ओर देखकर खिलखिला के हंसेगा। जैसे ही वो आपको देखेगा, आपके अगल बगल देख के वो बहुत मुस्कुराएगा, क्योंकि आपके आसपास जो फरिश्ते हैं उन्हें वो बच्चा देख पा रहा है, इसलिए वो प्रसन्न हो रहा है। अगला संकेत होता है, एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही मनमोहक खुशबू का एहसास होना। ऐसी सुगंध जो आपके आसपास कोई चीज नहीं है, लेकिन आपको अचानक ही फूलों की खुशबू आ रही है, इत्र की सुगंध आ रही है, और अगर आप देखते हैं तो आपके आसपास ऐसी कोई भी चीज नहीं है, थोड़ी देर बाद वो खुशबू गायब हो जाती है। वो उन फरिश्तों के होने का आपको एहसास कराती है। अगला संकेत होता है, बादलों का बड़ी ही अलग ढंग से दिखाई देना। आपको बादलों में अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई देना। कभी आपको ऐसा लगता है आप बादलों के बीच आ गए हैं, कभी आपको बादल बहुत नीचे दिखाई देते हैं, कभी आपको बादल धरती पे दिखाई देते हैं। इस तरह की बादलों का आकार होना ये आपको बताता है आपके आसपास कोई अलौकिक दिव्य शक्ति है जो हर वक्त आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। अगला संकेत होता है, पंख। हर वक्त आपको हर जगह पंख दिखाई दे, हरे रंग का पंख, सफ़ेद रंग का पंख, मोर पंख, अलग अलग पंख।
आप जहाँ भी जाते हैं आपको हर जगह पंख दिखाई देते हैं, तो ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि वह दिव्य फरिश्ते आपको बार बार बताते हैं कि वो आपके साथ हैं। अगर आपको इस तरह के संकेत मिलते हैं तो निश्चित ही आप उनमें से एक हैं जिनके साथ परमात्मा रहना चाहते हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, जिनके साथ ईश्वर की अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं। क्या आपको ऐसा कोई भी आभास हुआ है? यदि हुआ है तो वह कैसा आभास है? वह कौन सा संकेत है जो आपको प्राप्त हुआ है?